हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आई टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप आपके पिक्सलेट फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप गूगल पे में सिर्फ आपको उस टूल के बारे में बताने के लिए गूगल पे से एक फ़ोटो को निकालता हूँ। आप जब राइट क्लिक करते हैं, जैसे आप मैंने एक पोर्ट्रेट डाला, आप जैसे राइट क्लिक करते हैं तो इमेज सेव होती है। मैं इसको इसी रूप में निकालता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बड़े 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 ज़्यादा पिक्सल की इमेज में मुझे मिल जाएगी, अब ज़्यादा रिजोल्यूशन की पिक्चर मुझे प्राप्त हो जाएगी। पर मैं आपको बताने के लिए उस जो AI टूल है वो क्या काम करता है वो बताने के लिए मैं आपको यहाँ से एक इमेज को मैं सेव करूँगा। आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। मैंने इमेज सेव कर रखी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वो AI टूल का नाम है रिप्लीकेट। रिप्लीकेट आपको यहाँ रिप्लीकेट डालेंगे तो replicate.com, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आने अभी तो फ़िलहाल ये फ्री है, पर हो सकता है आगे इसमें चार्जेस चालू हो जाए। अभी आपको सिर्फ इसमें अपना एक अकाउंट बनाना है और वहाँ से आप इसको चालू कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सरल सा एक टूल है जिसमें आपको सिर्फ जो आपके पुराने फ़ोटो है या पिक्सलेट फ़ोटो है उन फ़ोटोज़ को सिर्फ डालना है, और ये पूरा इसका जो रिस्टोरेशन एल्गोरिदम है उसके हिसाब से वो ओल्ड फ़ोटो को AI जनरेट करके हमको दे देगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं। ये मैंने एक ट्रायल के लिए एक फ़ोटो जस्ट अभी किया था, उसका इमेज है। मैं यहाँ पे लिखा है इमेज, ड्रा पे फाइल और क्लिक टू सिलेक्ट। तो यहाँ से आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके उसी मेनू पे चला जाएगा। दोस्तों, एक फ़ोटो और मैंने डाउनलोड किया था, उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे जैसा कि ये गूगल से हमने लिया हुआ है, यहाँ पे ये इसका वर्शन जो दिया हुआ है वो 1.4 है। आप वेबकैम से, अगर आपके लैपटॉप में या फ़ोन में अगर कैमरा है उससे भी आप पिक्चर लेके और कर सकते हैं, या जैसा आप चाहें। यहाँ स्केल मैंने 2 रखा है, आप पहले ट्राई करें, उसके बाद अगर स्केलिंग में आपको कुछ लगता है तो कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ मुझे सबमिट करना है और वेट करना है। जो फ़ोटो हमने देखा था, मैं उस फ़ोटो को एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कि वो फ़ोटो का इमेज कैसा था। वो फ़ोटो का इमेज कुछ इस तरह सा था। मैं अगर उसको 200-250% करता हूँ तो कुछ इस तरह का इमेज था, जिसको हमने रिप्लीकेट AI टूल की मदद से विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आप खुद देख सकते हैं कि वो फ़ोटो कितना बढ़िया हो गया। उसने सारे पिक्सल दूर कर दिए, सभी सब कुछ चेंज हो गया। तो आप इस हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। ये इमेज को आप कोई भी और दूसरे सॉफ्टवेयर में, जैसे फ़ोटोशॉप का न्यूरल फिल्टर है और भी फ़ोटो से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उनमें जाके अगर आप करेंगे तो इतना स्मूथली ये वर्क नहीं करता है जितना इसने विद इन अ सेकेंड आपका फ़ोटो को पिक्सल से, जो आपने खुद देखा। तो दोस्तों, ऐसी इमेज अगर आपके पास भी है और आप उसको रिसाइज करना चाहते हैं तो ये AI टूल आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।